केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल आज दो दिवसीय दौरे पर दमोह पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम सेवा संकल्प सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत प्रहलाद पटेल मूकबधिर विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ समय बच्चों के साथ बिताया, साथ ही उन्हें उपहार सामग्री भी प्रदान की। उन्होंने वृद्धाश्रम का भी दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं के साथ वृद्धों को भोजन भी कराया। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने सभी से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करने का आह्वान किया। मोदी जी के जन्मदिन पर पार्टी ने और सरकार ने तय किया था कि हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। मेरा इस बीच में चूंकि आज ही आना हुआ है, तो आज हम लोग जबेरा अस्पताल भी गए थे, तो फल कंबल जो भी सभी हमारे विधायक जी पदाधिकारीगण पार्टी के सभी ने जाकर दिया। एक कार्यक्रम था कि वहाँ वृद्धों का सम्मान, एक अलग कार्यक्रम था, दो कार्यक्रम वहाँ पर थे। दमोह में मेरा मानना था कि जो हमारे मूक और बधिर बच्चे हैं उनके बीच में होना चाहिए या वृद्धाश्रम में, उसी की एक छोटी सी कोशिश है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी चिंता समाज सदैव करे। ये भी तय हुआ है कि साल भर हम किसी ऐसे स्थान को, चाहे वो वृद्धाश्रम हो या फिर मूक बधिर के क्षेत्र में वो हों, विकलांगता के कोई ऐसे जगह हो जहाँ इकट्ठे लोग रहते हो, या कोई स्वास्थ्य का से संबंधित स्थान, कोई एक ज़रूरत को हम साल भर पूरा कर सकते हैं। खाली कार्यक्रम एक दिन हो जाए ये उसकी मंशा नहीं है। ये सब पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अपने अपने ढंग से जो ठीक लगता है। हम लोगों ने तय किया कि हम अस्पताल
वृद्धाश्रम और मूकबधिर का ये एकमात्र स्कूल यहाँ पर है, इनकी चिंता के प्रति हम सारे लोग मिलजुल करेंगे। वन प्लास्टिक यूज़ का 2 अक्टूबर से लागू है, लेकिन आपने उसके पहले इम्प्लीमेंट कर दिया, किस तरह की कार्य योजना यहाँ घूमने के लिए आपके माध्यम से? नहीं, उसमें भी बड़ा तय है कि 11 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक अभियान चलना है, 2 अक्टूबर को उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके पहले कोई कर सकता है तो करना चाहिए, हमारे यहाँ मंत्रालय में हमने उसको पहले कर दिया। तीसरी बात है कि कितने लोग करेंगे, कितने घंटे करेंगे, ये हिसाब भी देना है। ये जो मुँह दिखाई के का तरीका है इवेंट बनाने का, वो उस पर मुझे लगता है कि नहीं जाना है। हम कितना पॉलीथीन इकट्ठा करेंगे उसको तोलना भी है, और फिर उसके बाद हमको डिस्पोज कितना किया और रिसाइकिल कितना किया। तो चूँकि शहरी विकास मंत्रालय ने केंद्र बनाए हैं, जो भी, मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा, सबसे आह्वान करूँगा कि हमको इस अभियान में भागीदार बनना चाहिए, और हमको तय करना चाहिए कि हमने कितने घंटे हमने परिश्रम किया है स्वच्छता के लिए, हमने कितना गंदगी को इकट्ठा किया, उसको हमने केंद्र पर जाकर दिया, और फिर हमें पूछना चाहिए कि इसमें आप रिसाइकिल कितना करोगे और आप इसको डिस्पोज आप कितना करोगे। यहाँ माइसम सीमेंट फैक्ट्री है तो यहाँ पर प्लास्टिक डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए डिस्पोज आप करने के बारे में हम सबको भी चिंता के साथ में अपना आंकड़ा रखना चाहिए।